हर हर महादेव, राधे राधे। आज हमारे पास आए टोयोटा इनोवा, जो कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम था और इस गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, और जो कि हम लैपटॉप वाले भैया बुलाए थे, वो लैपटॉप लगा और बोले कि सिक्योरिटी लाइट होता है नहीं जल रहा था, और उसके कारण गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बोले कि जो कि डैशबोर्ड उतारना पड़ेगा, और जो एक एम्बुलेंसर होता है वहाँ को कहें कि शायद गड़बड़ हो गया, चूहा तार और काट दिया, इसी कारण स्टार्ट नहीं हो रही है। हम चलिए अब डैशबोर्ड उतार के आप दिखाते हैं कहाँ से चूहा वायरिंग काटा है, क्या क्या किया है। नवा गाड़ी है जो कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, और हम इसको लैपटॉप वैपटॉप लगवा दिए, लेकिन एक प्रॉब्लम था, इसमें सिक्योरिटी लाइट नहीं जल रहा था। क्योंकि सिक्योरिटी लाइट देखिए, ये लाइट नहीं जल रही, इसी कारण गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है। हमको लग रहा है कि चूहा इसमें वायरिंग वायरिंग कुछ काट दिया है, और हम पूरा डैशबोर्ड उतारेंगे। आकाश भाई हमारे खोल रहे हैं डैशबोर्ड इसका, इनोवा का। अब खोलेंगे, अब दिखाएँगे कहाँ कहाँ चूहा काटा, वायरिंग क्या क्या हुआ है। अब पूरा फुल उतारेंगे इसका, देख रहे ऐसे पूरा खुलना बस ऐसे ब्लोवर व्लोवर का होता है। अभी मीटर खोलेंगे हम, और यहाँ बोल्ट होता है इसको, इस खेस यहाँ होता है, यहाँ होता है। और देखिए आप खोलेंगे बाहर, देखिए मीटर भी खुलना पड़ता है, डैशबोर्ड उतारने के लिए मीटर भी खुलना होता है, बहुत सारा खुलना पड़ता है। खोल कर दिखाएँगे वायरिंग कहाँ से कटा है, क्योंकि उसमें कि लाइट नहीं आ रहा है, इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ऐसा खोल दिए हम, देख लीजिए, और ये पूरा खोल दिए, और देखेंगे वायरिंग चूहा कहाँ काटा है, अभी हम दिखाएंगे आपको। भी दिया जाएगा। हाँ देखिए, हम दिखा रहे हैं अभी हम, ये जो चूहा क्या हाल किया इसका, देख रहे हैं पूरा वायरिंग काट दिया, इसीलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। इसको हम रिपेयर करेंगे, इसमें करंट नहीं जाएगा तो गाड़ी आपका स्टार्ट नहीं होगा, पहली बात तो। और यहाँ से चूहा काट दिया, इसको हम वायरिंग सही करेंगे, सही करने के बाद फिर चेक करेंगे कि और कहीं चूहा काटा नहीं है ना, पूरा ये जगह जगह चेक करेंगे हम। आप कैसे गाड़ी स्टार्ट होगा, पूरा कनेक्शन ही काट दिया, देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि उस सबको मजा मिलता है वायरिंग काटने में, देख रहे हैं पूरा एकदम ए टू जेड वायरिंग काट दिया है सर। क्या होता है कि यहाँ पर बैठने के लिए जगह उन लोग को मिल जाता है, डैशबोर्ड के अंदर ना बैठने की जगह मिल जाता है, तो इसलिए बकायदा बैठ कर हम एकदम इतमान से काटते हैं कि चलो भाई यहाँ तो कोई देखेगा नहीं, आराम से गाड़ी खड़ी थी एक महीने से, इसलिए गाड़ी खड़ी भी करें तो रोज़ अगर चालू कर देते हैं आप ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें पता चलता है ना, गाड़ी रोज़ स्टार्ट होता है उसमें चूहा बैठते नहीं जगह। अब गाड़ी एक महीना एकदम कंटिन्यू खड़ी हो गई, और लोग को अच्छा व्यवस्था मिल गया, काटे एकदम भरपूर, अपना इंजीनियरिंग दिखाएं, काटने के तो जोड़ रहे साथ वायरिंग इसका कर रहे थे लेकिन कर नहीं पाए बेचारे साथ, तब से गाड़ी स्टार्ट करने लगे। चलिए अब करके स्टार्ट हम करते हैं, वो चुकी है, और हम गाड़ी भी स्टार्ट करेंगे हम। देखिए भैया, तो गाड़ी स्टार्ट करिए, तो देखिए गाड़ी हमारा स्टार्ट हो चुकी है, और गाड़ी कम्प्लीट हो चुकी है, गाड़ी डैशबोर्ड चलाएँगे हम आप, ठीक हो चुकी है। अब देखिए हमारी कंपनी कस के कंप्लीट हो चुका है गाड़ी, आपको दिखाएं स्टार्ट कर। इसका हाथ डैशबोर्ड उतारना बहुत आसान होता है, ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, ठीक है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिएगा।